टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करेंगे आज हम प्रिजन की। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले थैंक्स टू आयुष एंटिकुल, उसने वीडियो बनवाने में मदद की। तो यहाँ पर अगर आप सामने देखते हैं तो एक टावर दिखेगा, और अगर आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ये दिख जाएगा गड्ढा टाइप देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर आप छुप सकते हैं या फिर मैं कहूँ छुप कर एनिमीज को मार सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम प्रिजन में उतरते हैं और ढेर सारे एनिमी आ जाते हैं तो हमारे पास गन नहीं रहती है, मतलब हमें गन मिलती नहीं है, भागने का समझ नहीं आता है। मतलब उस वक्त आपको भी पता होगा, समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जाएँ आके बचकर। तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दूर से अगर कोई देखता है तो सिर्फ हेलमेट दिखाई देगा, मतलब अगर आपको एनिमी नहीं देखता है कि आप भाग कर कहाँ गए, ठीक है, तो आप काफ़ी आसानी से यहाँ पर छुप सकते हैं, उसको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गायब हो गए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा। और अगर आप छुप कर मारना चाहते हैं तो आप इस तरह से फायर करके मार भी सकते हैं एनिमीज को। अगली जगह भी हमें इसी तरह की देखने को मिल जाती है, मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि दो जगह इस तरह की हैं जहाँ पर हम छुप सकते हैं प्रिजन में। तो अगली जगह यहाँ सामने जो एक लाल कलर का घर होता है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगी एक जगह। यहाँ पर नंबर 4 मेरा टीममेट आप देख सकते हैं अंदर बैठा है, दूर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से आप बैठ सकते हैं, बस यहाँ पे जो लाल कलर का घर बना है वहाँ अगर कोई ऊपर हुआ तो वो आपको देख पाएगा, तो उसको आप मार भी सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैंने कहा पहले भाई जगह करो यार, मुझे भी बैठना है दिखाना है, तो यहाँ पर मैं बैठ गया और अब आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एनिमी उसने आपको देख लिया तो आप यहीं से मार सकते हैं उसको, बस यहीं से आपको खतरा है, बाकी कहीं से खतरा नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगली ट्रिक कौन सी है। सो अगली ट्रिक की बात करें तो ये जो वेयर हाउस देख सकते हैं इसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं। तो इसमें चढ़ने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, दोनों तरीकों का फ़ायदा भी। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इस बिल्डिंग में चढ़ेंगे, ये जो आप बगल में बिल्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लूट कर लेता हूँ जल्दी से, ये हो गई लूट। तो ये आप देख सकते हैं वेयर हाउस है जिसके अंदर हम जाएंगे इस बिल्डिंग से, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ फ़ायदा क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इस बिल्डिंग के अंदर हैं, ठीक है, तो इस बिल्डिंग के अंदर आपके ऊपर एनिमी रश करने आ रहे हैं, तो आप सीधे छत में जाइए जल्दी से, ठीक है। और छत में जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पर इसमें चढ़ जाएंगे इस तरह से जंप लगा के, और फिर यहाँ से जंप मारेंगे दौड़ते दौड़ते और एम इधर को कर देंगे वेयर हाउस की तरफ। तो आप इसके ऊपर कूद जाएंगे और इसके ऊपर कूदते ही तुरंत आप इस वेयर हाउस के अंदर भी जा सकते हैं जो गड्ढे बने हैं, और इस वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में भी जा सकते हैं, दूसरे साइड भी। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अगर उस बड़ी वाली बिल्डिंग में आप हैं और कोई रश करने आ रहा है आपके ऊपर, तो इस तरह भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फिसल गया तो गिर गया। तो चलिए अब दूसरा तरीके की बात करते हैं इसके ऊपर चढ़ने की वेयर हाउस के। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आएंगे वाच टावर के ऊपर और फिर यहाँ पे जंप करेंगे, इसके ऊपर हम आ गए, और इसके ऊपर आने के बाद फिर एक बार और जंप करेंगे कुछ इस तरह से दौड़ते हुए, और ये मैं वेयर हाउस के ऊपर आ चुका हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आने के दो तरीके हैं और दोनों के मैंने फ़ायदे बता दिए। इसके फ़ायदे की बात करें तो वो आप देख लीजिएगा आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए अब अगली ट्रिक की बात करते हैं। सो अगली ट्रिक हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पर, ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग बनी है प्रिजन के अंदर, तो यहाँ पर आप सीढ़ी देखेंगे, सीढ़ी के बगल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा के पूरा एरिया मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप छुप सकते हैं या फिर बाकी आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि यहाँ पर एक इस तरह की जगह भी है। तो चलिए अब अगली ट्रिक की बात करते हैं। सो अगली ट्रिक की बात करें तो ये जो टावर यहाँ पर आपने देखे हैं, ये टावर तो आपने देखे होंगे, इसके ऊपर भी गए होंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कमाल की ट्रिक है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो चलिए जानते हैं वो ट्रिक। तो ये जो टावर है हम इसके ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, और चढ़ने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ और कहाँ पर आप जा सकते हैं। जो ऊपर आप देखेंगे टीन बनी है सबसे ऊपर टावर की छत, उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, और वहाँ पर जाने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए काफ़ी एनिमीज है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे। एनिमीज तो जानती हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, एनिमी सोचते हैं टावर के ऊपर है, चलो टावर के ऊपर जाके रस मारते हैं। आप यहाँ टावर के ऊपर है, कोई रस मारने आ रहा है आपके ऊपर, तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे जंप करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से एक बार और जंप कर देंगे, और ये हम आ गए इसकी छत के ऊपर। अब कोई एनिमी आता है तो वो नीचे हमको ढूंढता रहेगा हम कहाँ पर है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर बैठ कर एनिमी को मार भी सकते हैं,
ठीक है, और यहाँ से और ज़्यादा अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा, और स्नाइपिंग भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। जंप करके आप इस तरह से नीचे आ सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी हेल्थ जाएगी। और दूसरा तरीका बता देता हूँ जिससे बिल्कुल भी हेल्थ आपकी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ, इस तरह से जंप की और फिर ये मैं ऊपर आ गया। किसी एनिमी को अगर मारना है, कोई डैश करने आ रहा है, तो आप तुरंत इसके छत में आ जाइए, और छत में आने के बाद फिर अगर आप बैठ जाते हैं तो यहाँ पर कोई एनिमी आता है तो उसको आप देख सकते हैं और मार सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, और उतरने के तरीके की बात करें तो कुछ इस तरह से बैठ जाना है और हल्का हल्का पीछे को करना है अपने कैरेक्टर को। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है, और ये आप देखेंगे इस तरह से नीचे आ जाएंगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है आप गिर जाए, थोड़ी प्रैक्टिस की पड़ेगी। सो अगली और लास्ट ट्रिक में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं प्रिजन में कंटेनर्स, इसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं। आपको शायद यकीन ना हो तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। तो यहाँ पर हम जाएंगे इधर, और फिर यहाँ पर इस तरह से जंप करेंगे तो इधर से हम नहीं चढ़ पाएंगे, यहाँ से अगर मैं आगे जाता हूँ तो फिसल जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे और ये मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमें खड़े हो जाना है और जंप कर देनी है, और फिर यहाँ पे एक बार और जंप कर देनी है, और अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इसके फायदे की बात करें तो कई बार ऐसा होता है हमारे ऊपर एनिमी डैश कर रहे होते हैं तो हम कंटेनर्स की तरह आते हैं, तो आप भी सेम उसी तरह आएंगे जैसे और लोग आते हैं, लेकिन आप ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, और फिर ऊपर से आप एनिमी को मार भी सकते हैं और एनिमी आपको जल्दी ढूंढ भी नहीं पाएगा।